दिल्ली के राजौरी गार्डन में बेखौफ बदमाशों ने जौहरी की कार पर ताबड़तोड़ 3 राउंड फायरिंग की। लूट के इरादे से जौहरी को रोकना चाहते थे बदमाश। सीसीटीवी में कैद हुए भागते हुए बदमाशों की तस्वीर। एक बाइक पर सवार थे 3 बदमाश, तफ्तीश में जुटी पुलिस। दिल्ली में गैंग रेप केस में नया मोड़। आरोप लगाने वाली लड़की पर ही उठी उंगली। एक शख्स का दावा, महज गाड़ी का नंबर देखकर झूठा आरोप लगाती है लड़की। कुछ दिन पहले ऐसे ही आरोप से ऐंठे थे 3 लाख रुपए। गाजियाबाद के विजयनगर पुलिस ने हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का किया भंडाफोड़। रैकेट चलाने वाली महिला और 4 लड़कियों समेत 10 लोग गिरफ्तार। मंदसौर में एक म्यूजिक टीचर पर लगा छात्रा से अश्लील हरकत का आरोप। एक छात्र ने आरोपी शिक्षक को बुरी तरह पीटा। शिक्षक की सफाई, कहा फीस से जुड़ा है मामला। एक महिला ने छात्र की पिटाई के लिए उकसाया। एक मॉडल ने अभिनेता अरमान ताहिल पर शादी का झांसा देकर रेप का आरोप लगाया। वर्सोवा पुलिस ने दर्ज किया केस। कर्नाटक के हासन मर्डर केस में कांग्रेस ने प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष येदियुरप्पा पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया। सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो। 29 मई को हुई थी मैनुअल वरुण नाम के शख्स की सरेआम हत्या। 11 आरोपी हैं गिरफ्तार। कांग्रेस के मुताबिक येदियुरप्पा ने मोबाइल पर हासन के एसपी से कहा, आपने 14-15 हिंदुओं को गिरफ्तार किया है, भंग कर रहे हैं शांति। फिर सेल्फी के चक्कर में गई एक युवक की जान। जंजीरा किले के पास पहाड़ी पर सेल्फी लेते वक्त फिसला पैर, खाई में गिरने से हुई मौत। अंडमान के पोर्ट ब्लेयर में समंदर में डूबी बोट। कोस्ट गार्ड ने 7 लोगों को रेस्क्यू किया। रेस्क्यू मिशन में हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल। लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा के सामने चल रही शूटिंग का विरोध। पत्थरबाजी में अभिनेता कुणाल खेमू घायल। पाकिस्तानी गायक राहत फतेह अली खान के एल्बम सावरे की चल रही थी शूटिंग, तभी 50 उपद्रवियों के समूह ने किया हमला। मुस्लिम धर्मगुरु कल्वे जव्वाद का आरोप, समाजवादी पार्टी की सरकार प्रदेश के धार्मिक स्थलों का महत्व खत्म कर बना देना चाहती है पिकनिक स्पॉट। लखनऊ में एटीएम को निशाना बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने 3 लुटेरों को किया गिरफ्तार। यूपी के हाथरस में एक शख्स की लाठी डंडों से पीट कर हत्या। खेत में मिला खून से लथपथ शव। अमेरिका के फ्लोरिडा में गे नाइट क्लब में शूटआउट में 50 की मौत। राष्ट्रपति ओबामा ने बताया आतंकी हमला, आईएसआईएस ने ली हमले की जिम्मेदारी। नाइट क्लब में अंधाधुंध फायरिंग में करीब 53 लोग जख्मी। करीब 4 घंटे बाद आतंकी को स्वैट कमांडो ने किया ढेर। हमलावर का नाम उमर मतीन, अमेरिकी नागरिक के तौर पर हुई पहचान। ऑरलैंडो पुलिस ने मतीन के घर को कब्जे में लिया। अफगानिस्तान मूल का है उमर मतीन, पिता के मुताबिक बचपन से था गुस्सैन। ये नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर हमले पर जताया दुख, कहा पीड़ित परिवारों के साथ हमारी संवेदना। इलाहाबाद में आयोजित बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आज आखिरी दिन। आज पीएम मोदी का होगा समापन भाषण। सूत्रों के मुताबिक यूपी में कोई सांसद हो सकता है बीजेपी का सीएम उम्मीदवार। इंटरनल सर्वे के बाद अक्टूबर नवम्बर तक सीएम उम्मीदवार का ऐलान संभव। सर्वे में सीएम पद के 6 दावेदार हो सकते हैं शामिल। ब्राह्मण, राजपूत या दलित हो सकता है सीएम उम्मीदवार। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, पार्टी का संसदीय बोर्ड तय करेगा सीएम उम्मीदवार का नाम। सूत्रों की खबर, गृहमंत्री राजनाथ सिंह यूपी में प्रचार अभियान समिति की कमान संभालने को तैयार नहीं। केंद्रीय नेतृत्व को बताई अपनी इच्छा। यूपी के सीएम अखिलेश आज करेंगे मथुरा का दौरा। हिंसा में शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों से करेंगे मुलाकात। किराना से पलायन करने वाले 346 परिवारों की सूची पर प्रशासन ने उठाया सवाल। डीएम बोले, सूची में शामिल कई लोगों की हो चुकी है मौत, कुछ लोगों ने बिजनेस के लिए किया पलायन। केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने किराना में हो रहे पलायन के लिए यूपी सरकार को ठहराया दोषी। बोले, सीएम अखिलेश को नहीं पता है घर छोड़ने का दुख। रामदेव ने किराना में पलायन को बताया सियासी शह का नतीजा, कहा इसके बिना 300 लोगों का पलायन संभव नहीं। रामदेव ने कहा, कालेधन के मुद्दे पर केंद्र सरकार नहीं कर रही है प्रभावी ढंग से काम, लिहाजा सरकार को मिल रही है आलोचना। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को लेकर सीएम नीतीश पर कसा तंज, नकलची और मुंगेरी लाल बताया। गिरिराज सिंह बोले, राहुल गांधी को लाल और हरी मिर्च का फर्क नहीं पता, विकास नहीं दिखने पर कांग्रेस की उल्लू से की तुलना। लालू यादव ने नील गाय को बांटने वाले पर्यावरण मंत्रालय के आदेश को बनाया मुद्दा, कहा बीफ को लेकर हंगामा करने वालों का सामने आया दोहरा चरित्र। केजरीवाल सरकार और एलजी राजीव द्विंग में अब सरकारी राशन की दुकान के लाइसेंस को लेकर ठनी। बुराड़ी में 2015 में आप विधायक ने रद्द कराया था एक दुकान का लाइसेंस, एलजी ने किया बहाल। कमलनाथ को पंजाब कांग्रेस का प्रभारी बनाए जाने पर आम आदमी पार्टी ने किया वार। कमलनाथ को 1984 दंगे और रकाबगंज गुरुद्वारे में हुई हत्या का आरोपी बताया। विजय माल्या की शातिराना हरकतों से गच्चा खाया ईडी। कुर्ग संपत्तियों में से एक का मालिक कोई और निकला, पहले ही बेच चुका था कुर्ग का कॉफी प्लांट।
सेंसर बोर्ड चीफ पहलाज निहलानी का बयान, मैं सिर्फ नियमों का कर रहा हूं पालन। प्रियंका चोपड़ा अगली बायोपिक में निभाएंगी दिवंगत अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का किरदार। इससे पहले मैरीकॉम में सराहा गया था प्रियंका का अभिनय। लगातार हिट से दीपिका पादुकोण को मिले नए एड्स, एक एयरलाइंस कंपनी के साथ बतौर ब्रांड एम्बेसडर किया बड़ा करार। बॉलीवुड की गंदे रिस्पॉन्स से परिणीति चोपड़ा ने किया टॉलीवुड का रुख, निर्देशक मुर्गोदास की फिल्म में आएंगी नजर। आज हरारे में जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरा वनडे, पहले वनडे में मिली जीत से टीम इंडिया के हौसले बुलंद। केएल राहुल के शतक की बदौलत भारत ने 9 विकेट से जीता था पहला वनडे, आज जीत हासिल कर सीरीज पर कब्जा करने की होगी कोशिश। टीम इंडिया के कोच के लिए बीसीसीआई को मिले 57 आवेदन, इस महीने आखिरी हफ्ते तक होगा नए कोच के नाम का ऐलान। सायना नेहवाल ने दूसरी बार जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर सीरीज का खिताब, चीन की सुयू को दी फाइनल में मात। ऑस्ट्रेलियन सुपर सीरीज जीतने पर सायना को पीएम ने दी बधाई, बीएआई ने किया 10 लाख देने का इनाम।